पंचायत है और हमारे अम्बा पंचायत में ये जैसे सफाई के डब्बे डस्टबिन नहीं है अभी तक। हमने पहले बोले भी सरपंच साहब को, लेकिन वो नहीं ला पाया। तो हम लोग, आप लोग भी देखे होंगे, इस छोटे से फूटे हुए डब्बे से हम सफाई किया पूरे तीन चार बिल्लौरी आरतीपुरा अम्बा और ये तीन चार गाँव में हमने घूमे। और हमने अगर यही नहीं है तो क्या साफ सफाई होगी? इसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो मुखिया है वो अगर ऐसा ध्यान नहीं देगा तो सफाई कैसी होगी? वो तो हम लोग जागरूक होकर इतना काम कर रहे हैं और हमारे पे दबाव बनाया जाता है कि तुम लोग क्या कर लेंगे ना, क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बात करते हैं। हम तो हम ये चाह रहे हैं ना, हम कोई किसी से डरने वाले, हम सबका भला चाह रहे हैं। हम किसी का बुरा ना, किसी का हमारा कोई दुश्मन है ना, बीजेपी ना कांग्रेस। हम तो चाहते हैं सबको लाभ मिले, शासन द्वारा जो भी लाभ दिया जा रहा है वो। और हम चाहते हैं अभी बहुत, अभी चुनाव आ रहा है तो एक से एक नेता लोग भी आएंगे, तो हम ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, हम चाहते हैं हमारे गांव का विकास हो। जैसे कि हमारा तितराने से लगाकर ये सेवाबा तक का रोड भी नहीं बना है और अम्बा से लगाकर कमलखड़ा तक का भी नहीं बना है। और हम ये चाह रहे हैं अगर जो पार्टी हमारी बात मानेगी, जो हमारी मांगे सुनेगी, तो उसका हम लोग साथ देंगे। और जैसे हमारे अम्बा में हाई स्कूल 2008 में आई थी, आज से 2020 12 साल हो गए, अभी तक उसका भवन नहीं आया है। और हम चाहते हैं हाई स्कूल भी आए, हाई सेकेंडरी और उसमें भवन का भी आए। और अम्बा के लिए हम लोग छात्रावास के लिए मांग कर रहे हैं। और रही बात नल जल योजना की गांव में, बस इतना। जय आदिवासी।